तो इस व्यू की मैं बात कर रहा था, तो ये बिल्कुल एक जूका रेस्टोरेंट है। दस में से दस नंबर है। अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो जी रॉयल ग्रुप है टैक्सी सेक्टर बार्सिलोना में। तो एक दो दोस्त हैं, एक बेटा हुआ है, एक बेटी हुई है माशाल्लाह, और तीन जो भाई हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पे अपने जाती मकान लिए हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है, तो उसके यहाँ से एक डिनर पार्टी रखी गया, तो भी हम जा रहे हैं उधर। भाई आ चुके हैं, कोई मसला ही नहीं जनाब। ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ सोच रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मैं ड्राइविंग पे फोकस कर रहा हूँ कि ये ना ना उधर पहुँचने तक हमारी रोटी खुल जाए। तो जहाँ पे पार्टी रखी हुई है जी, जिसका एरिया का नाम है जी पोर्ट फोरम, और पोर्ट फोरम में माशाल्लाह हमारे दो न्यू रेस्टोरेंट है, एक का नाम कुर्तबा है और दूसरे का नाम लाहौरी है। तो अभी जाके देखते हैं कि कुर्तबा पे फाइनल है या लाहौरी पे है, तो वहाँ का जो रिव्यू है, वहाँ खाना कैसा है। व्यू तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल वो मतलब के समुद्र के साथ ही है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। तो इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं, तो चलें। जी फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं पोर्ट फोरम में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, गाड़ी को हमने पार्क कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जी आज टैक्सी गठी हुई, तो इस व्यू की मैं बात कर रहा था। तो ये बिल्कुल एक जूका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे शीशा वगैरह चलता है, वो शीशे के यकीन है शजीब भाई हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके साथ एक लाहौरी रेस्टोरेंट है, और उसके साथ ही ये लाहौरी है बिल्कुल सामने, और जूका जो है ना वो आगे है, और अभी हम जा रहे हैं, नहीं जूका उस साइड पे है, और उसकी दूसरी साइड पे जो है ना वो कुर्तबा है। तो अगर व्यू की बात करें तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या ही सीन है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी कुर्तबा रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रॉयल ग्रुप के माशाल्लाह सारे भाई काफी खुशगवार माहौल में गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। लगता है मैं और शजीब भाई लेट आए हैं, क्योंकि सारे भाई यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम मिलाते हैं आपको, ये हैं जी हमारे आसिम भाई, और साथ हैं जी हमारे ग्रुप के सदर मुदस्सर राय साहब। जिमा साहब क्या हाल है? ठीक हो? पापा की हाल है? सर की हाल है? ठीक। ये बगैर कुछ ही वीडियो बन रही है। अच्छा जी, वेरी गुड। होगा पीर साहब वापस नहीं आए? मैं पाकिस्तान हूँ। जिमा साहब पीर साहब रात का जितने जिमा बैठे हो सुना ज्यादा फोकस जी फ्रेंड। तो चलें कुर्तबा रेस्टोरेंट के अंदर से मैं आपको रिव्यू कराता हूं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, और हमें जो ना जगह दी है वो आधा रेस्टोरेंट दिया है। यहाँ पे फैमिली के साथ आने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मैरिज और बड़ी पार्टी भी मुनक्कद होती हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे सारे भाई इकट्ठे हैं, और जहाँ पे आज हम अपनी पार्टी कर रहे हैं। भाई क्या हाल है? तिलावत कलाम रहमान से किया जाता है। नसरुल्ला चीमा साहब को के वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम रहमान से हमारे कुलूब व जहान को मुनव्वर फरमाएं। والتين والزيتون وتور سينين
हमने महबूब भी महबूब खुदा रखा है। मोहब्बत के साथ एक दफा दुरूद पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि काया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब तैबा वालिया गले तेरे होंठ मुखनी तबारक व ताला ने हमें खुशी का एक और मौका फराहम किया। जनाब मुअज्जम अली चट्टा साहब, इनको अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रहमत से मुअज्जम किया, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा। रॉयल ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए मैं इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेशा दिखाए, यानी कि बेटे जैसी खूबसूरत नेमत से नवाजा। अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों भाइयों की औलाद को देख करे। मदाजर भाई के लिए भी भरपूर तालियां हैं। जिस शख्सियत का मैं नाम लेने लगा हूँ उनके बारे में मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उनके लिए तालियां बजाएं, बल्कि जब भी उनका नाम आपकी समातों की समातों के साथ टकराएगा आप मोहब्बत के साथ जज्बात में खुद ही तालियां बजाने की ये मक्खन नहीं है हकीकत। हमारे रॉयल ग्रुप की जान पहचान बल्कि रूह रवान एक खूबसूरत और बड़ा नाम जनाब अख्तर शहाब रंगपाल बड़े अदब के साथ जनाब अख्तर शहाब रंगपाल से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अख्तर शहाब रंग रहा है। और इनके मुकद्दर का अख्तर चमका। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको अपना मकान जो है वो नसीब किया। ये बड़ी बात, भरपूर तालियां। इनकी लक ने भी इनका साथ दिया। लक ये किस्मत की बात है, वो लक दूसरा कमर वाला लक नहीं है। ये इनका मुकद्दर है। अल्लाह तबारक व ताला इनको और भी जन्नतों से नवाजे और इनको तीनों दुनिया की तरक्की अता करे। और आखिर में जनाब मुजम्मल इकबाल बड़ैक साहब, अल्लाह तबारक व ताला ने इनको भी मकान जैसी नेमत से नवाजा और इनको भी भरपूर मुबारकबाद देते हैं। और बाकी दोस्तों जनाब मुअज्जम अली चट्टा साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मनाजर अली बुसान साहब, गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज के साथ स्टेज के ऊपर। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं खाना सर्व करना ने शुरू कर दिया। सबसे पहले तो स्टार्टर में उन्होंने हमें सलाद दिया है और सलाद के साथ ही यहाँ पे कबाब और चिकन की प्लेट जो है ना वो भी पहुँच चुकी है। तो सबसे पहले बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। तो मेनू में जी जैसे सलाद और आपको बताया कबाब चिकन उसके साथ ही बिरयानी भी मौजूद है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। और बिरयानी के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेनू है वो है जी मटन, इंशाल्लाह वो खाएंगे। वो ये भी पहुंच चुका है माशाल्लाह। इसकी भी लुक आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बना हुआ है। और उसके बाद खीर और चाय। जी माशाल्लाह जी खाना हमने खाया है सुदेव भाई। हाँ जी भाई कैसा खाना लगा आपको? बहुत जबरदस्त यार, हर चीज मजा आया। हाँ हर चीज जबरदस्ती। जी जी जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, लाजमी आएंगे। हमारे भाई हैं उनकी खुशी में हम शामिल हैं। और
फ्री में मतलब आदमी आएगा फ्री में यार बनती नहीं आओ तो अमेरिकन सिस्टम है कोई बात ना अमेरिकन हो या जो भी हो अमेरिकन है तो हम यहाँ है ही नहीं अमेरिकन होता तो हम यहाँ पे होते ही ना ये माइक हमारे हाथ में होते ही ना जी शदीप भाई खाना खत्म हो गया है बहुत अच्छा खाना था भाई जान तू कम करो कि ना असरार भाई कोई हाँ जी सुना है कैसा खाना लगा जी जबरदस्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है कि नहीं आसिम भाई रहे आसिम भाई तो ही भी दसो हाँ जी आसिम भाई कैसा खाना लगा माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम रहा वैसे साढ़े ना चीमा साहब बैठे पता फिर हर चीज टेस्ट करके दस देने बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हर चीज बेहतरीन माशाल्लाह ये चीमा साहब को देख के पता चलता है कि खाना बहुत अच्छा था चले जी माशाल्लाह माशाल्लाह एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन हो पापा सुनाओ लो जी बहुत अच्छा खाना थी बहुत अच्छा जनाब उन्होंने सर्व भी किया बहुत मजा आया थैंक यू सबका इनवाइट करने का शुक्रिया वैसे चटा साहब ने वीडियो का फायदा हो जी बहुत बहुत मेहरबानी जी शुक्रिया जबरदस्त माशाल्लाह जी ठीक रहा खाना तो माहौल भी बड़ा जबरदस्त थी दोस्तों स्पेशल दोस्तों मिलने बड़ी खुशी हुई है नॉर्मली तो तुम पता इन्नी सारे तो गलबात ही होती है लेकिन फेस टू फेस मुलाकात का एक बहाना होता है तो खाना तो फिर वे एक्स्ट्रा हो जाता जी बड़ा मजा आया बड़ा जबरदस्त रहा काम थैंक यू जी बहुत शुक्रिया जी अभी मैं जिस शख्सियत को आपको मिलाने जा रहा हूँ ये हमारे रॉयल ग्रुप के सदर माशाल्लाह जिनका नाम है जी मुजस्सर बुराई साहब तो ये इनसे पूछते हैं जिनका खाना कैसा लगा वो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें दावत दी तो जी सदर साहब जी अस्सलाम वालेकुम खाना जनाब इंतहाई ज़बरदस्त था लाजवाब था इंतहाई लजीज था तो मेरा ख्याल है कि मैं तो 10 में से 10 नंबर ही दूंगा माशाल्लाह वैसे चटा साहब ने जो वीडियो बनाई थी उसका फायदा हो गया खाने का टेस्ट इन्होंने चेंज बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने टिकटॉक बनाई थी उस कुर्तबा पे उसका जो है हमें काफी फायदा मिला है तो भी हम चलते हैं आप चटा साहब से भी मिलाते हैं वो है कौन मैं हम शॉर्ट शख्सियत है प्रेसिडेंट फ्रॉम कनाडा टोरंटो जी अभी हम जिस शख्सियत का रिव्यू लेंगे जी वो हैं जी रुस्तम साहब और माशाल्लाह जी टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे जी इनकी जो है ना प्रोफाइल चल रही है तो अभी हम इनसे चलते हैं रिव्यू लेते हैं कि इनको खाना कैसा लगा जी रुस्तम साहब जी माशाल्लाह मैं तो ये कहना कि बेहतरी आई है बहुत ज़्यादा शाम के लास्ट महीनों के रेस्टोरेंट वालों खाना खुआ की जांच आ गई शायद सानू खान की जांच आ गई जबरदस्त सालन रोटी प्याज चटनी मसाला हर चीज जबरदस्त इसके और खीर सब तो बेस्ट गोश्त गोश्त कस्टर्ड कस्टर्ड बहुत मजेदार था 10 में से 10 नंबर है माशाल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया आपका मकान नसीब करें जीती जी हमारी आज की वीडियो जैसा कि आपने माशाल्लाह देखा है और कोशिश की है रॉयल ग्रुप के काफ़ी बंदों के साथ आपको मिला सकें खाना माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है सबसे पहले मुर्गी टेस्ट वगैरह आया उसके साथ जो है ना बाकरा गोश्त गोश्त कस्टर्ड नहीं था कस्टर्ड की जगह खीर थी तो माशाल्लाह ओवरऑल बहुत मजा आया जी से भाई जी जी माशाल्लाह बहुत बहुत मजा आया बहुत बहुत मुबारक इन सब भाइयों को भाई का बेटा अल्लाह ताला उनको नसीब करे जिनकी बेटी उनको नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे तो इंशाल्लाह मुझे दें इजाजत मिलते हैं आपके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।